अरविंद जी, शुरुआत में आपसे ही करता हूं क्योंकि आप हरियाणा से हैं। कल हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आता है कि सरकार जो है हर एक व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती। इस बयान के क्या मायने हैं? और वाकई में ऐसा है कि हरियाणा की सरकार हरियाणा के एक आम नागरिक को सुरक्षा नहीं दे सकती है, तो वो अपनी सुरक्षा की उम्मीद किससे लगाए? अरविंद जी, देखिए, जो ये घटना हुई वो बड़ी दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है। और इसीलिए केंद्र सरकार की ओर से भी और प्रदेश की जो पुलिस की जो हमारी रैपिड एक्शन फोर्सेस हैं वो वहाँ तैनात हैं, और सिर्फ नूह में नहीं बल्कि पलवल, गुड़गांव और फरीदाबाद में भी इस तरह की तैयारियां की गई हैं ताकि कोई और दुर्घटना इस तरह से ना हो, और एहतियातन इंटरनेट को बंद किया हुआ है। और भी तैयारियां तमाम जो इस तरह के इंसिडेंट के होने के बाद होती हैं वो सभी प्रशासन की द्वारा की गई। एक और बड़ी बात है इसमें, देखिए, जो बार बार जिक्र आ रहा था माननीय सरकार या और किसी का, इसमें कई एंगल हैं। मतलब क्योंकि जिस तरह के भड़काऊ बयान, भड़काऊ जो वीडियोज हैं, ये दोनों तरफ से ही आए हैं। एक कांग्रेस के विधायक हैं मामन खान, जो नूह जिले से आते हैं, उन्होंने आज से कुछ महीने पहले विधानसभा का सेशन था हरियाणा का चंडीगढ़ में, उस सेशन में भी कहा था कि अगर इस तरह की यात्रा या इस तरह कोई मेवात में आएगा तो उसे कच्ची प्याज की तरह तोड़ डालूंगा। ये उनका विधानसभा का बयान है। एक विधायक होते हुए कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं वो मम्मन खान, तो और इसी तरह के बयान और भी लोगों के आए, दोनों तरफ से ही आए, और उनकी जांच सरकार कर रही है, प्रशासन उनकी जांच कर रहा है, और जो भी दोषी हैं, चाहे वो मामन खान हो या कोई और हो या मोनू मानेसर हो या और भी कोई हो, जो भी इस जांच में मिलेगा कि उसकी गलती है, उन सबके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी, गिरफ्तार करेगी, जो भी कानूनन जो धाराएं बनती है उनके तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें बंद करेगी। देखिए, जो आप बात कर रहे थे मुख्यमंत्री जी के बयान की, हमारी सरकार बड़ी गंभीर है इस विषय को लेकर। ऐसा नहीं है, हरियाणा प्रदेश के लोगों की जान माल की सुरक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है, उससे कतई भी सरकार पीछे नहीं हट रही है। बिल्कुल हम हमारी जिम्मेवारी है और हम उसे निभा भी रहे हैं। एक इंसिडेंट जरूर ये हुआ, शायद ये अंदाजा प्रशासन को, जिला प्रशासन को नहीं रहा होगा कि इतनी बड़ी घटना या इतने बड़े समूह के रूप में लोग यहाँ इस तरह से आमने सामने आ जाएंगे, परंतु फिर भी तैयारियां थी और हर चौक चौराहे पर, क्योंकि बहुत लंबी यात्रा थी तो ऐसा नहीं था कि किसी एक चौराहे पर बहुत बड़ा पुलिस बल खड़ा कर सकते थे, पूरे रास्ते पर पुलिस बल था, परंतु कहीं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पर जाकर ये जो दुर्घटनाएं हुई हैं उनको एकदम संभालना उन अरविंद जी के लिए थोड़ा ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरविंद जी, आपने अपना पॉइंट रखा, आप कह रहे हैं कि सरकार की तैयारियां थी, तैयारियां होती तो 6 लोगों की मौत हो जाती, तैयारियां होती जो नूह से हिंसा फैली थी वो गुरुग्राम तक पहुंच जाती, तैयारियां होती तो क्या चीफ मिनिस्टर की तरफ से यह बयान आता कि हमारे एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं कर सकते? नहीं, मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूंगा। देखिए, हमें खुद बड़ा दुख है, हमें अफसोस है इस बात का कि वो 6 लोग जिनकी जानें गई इस दंगे के दौरान, वो हमारे अपने प्रदेश के लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, वो एक नागरिक हैं हमारे प्रदेश के, और हमें दुख है इस बात का। परंतु सरकार ने, प्रशासन ने बहुत जल्दी एहतियात बरता इसमें और बहुत जल्दी जो कार्रवाई की उसकी वजह से एक बहुत बड़ी दुर्घटना को होने से बचा लिया, क्योंकि जिस तरह से वहां हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे, चाहे जो मंदिर में लोग गए हुए थे अरविंद जी, आप बिल्कुल एक सरकारी बयान दे रहे हैं कि हिंसा हुई, हम वहां पहुंचे, हमने उसके बाद एक्शन लिया और हिंसा को रोक दिया, लेकिन ग्राउंड पे जीरो पे देखेंगे, वीडियो कई दिनों से फैल रहे थे और वो हेड स्पीच पे हेड स्पीच दिए जा रहे थे, ये पता था कि इस इलाके में तनाव होगा, इस इलाके में इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, उसके बावजूद भी हरियाणा पुलिस सोई रही, हरियाणा पुलिस कुछ नहीं कर पाई। और हम ये मान लें कि सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां की थी और इसलिए सब कुछ नहीं हुआ या इससे ज्यादा हो सकता था, क्या यही जस्टिफिकेशन है कि हमने तो हिंसा को रोक लिया लेकिन 6 लोगों की जिंदगियां चली गई, उनका जिम्मेदार कौन है?
बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी सरकार की है। बिल्कुल हम इससे पीछे नहीं हट रहे, हम बिल्कुल मानते हैं ये जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की है, और इसमें सरकार ने प्रयास भी किए। मैं सिर्फ ये बताने का आपको प्रयास कर रहा था कि जो सरकार की तैयारियां हैं आगे के लिए, क्योंकि पहले भी थी, कहीं जो चूक रही इसमें उसकी भी जांच चल रही है, किस स्तर पर ये चूक हुई है, किस अधिकारी से, किस कर्मचारी से ये चूक हुई है, उसकी भी जांच हमारी सरकार कराएगी और उनके खिलाफ भी एक्शन ये सरकार लेगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बयान को किस तरह से देख रही है जेजेपी? हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो बयान आया है, हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकती, जेजेपी कैसे देख रही है? देखिए, उनके बयान को के ऊपर तो प्रतिक्रिया उनका अपना प्रवक्ता देगा, कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार में आप भी हैं। परंतु हाँ, मैं अपनी पार्टी की तरफ से जरूर कहना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश के एक एक नागरिक की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम सरकार में हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश के एक एक नागरिक की सुरक्षा, क्या आप मानते हैं निंदाजनक बयान है? सुरक्षा करना हमारी, क्या अरविंद जी आप ये मानते हैं निंदाजनक बयान है, इस बयान की निंदा होनी चाहिए? इस पर तो प्रतिक्रिया उनका अपना प्रवक्ता देगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से जवाब दें, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि एक एक नागरिक को जो सुरक्षा देना, उनकी जानमाल की सुरक्षा करना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, इससे हम बच नहीं सकते। और ये प्रयास भी है कि आगे इस तरह की ठीक है। मुझे दे दीजिए, चाहे अपराधी मोहम्मद खान हो, बिट्टू बजरंगी हो, मोनू मानेसर हो, जो भी अपराधी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये मैं भरोसा आपको दिला सकता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उन लाखों करोड़ दर्शकों को दिला सकता हूँ जो आज इस डिबेट को देख रहे हैं, कि एक भी आरोपी, एक भी ऐसा व्यक्ति जो इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे वो किसी कम्युनिटी से हो, किसी राजनीतिक दल से हो, किसी समुदाय से हो, ठीक है अरविंद जी ठीक है। सरकार जो है वो भरोसा तो देती है, सरकार भरोसा तो दे रही है कि कुछ गलत हुआ है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन सरकारों का जो मूल कर्तव्य है वो ये है कि दंगे के बाद रिएक्शन नहीं करना, दंगे नहीं होने देना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, ये सरकारों का काम होता है। अगर उसमें भी कहीं ना कहीं कमी कोताही होती है तो उसके लिए सरकार, पुलिस, प्रशासन सभी जिम्मेदार हैं।